हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस एपिसोड के साथ। आज के इस एपिसोड में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं पटेल इंजीनियरिंग के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे पहले कंपनी के बारे में अगर बात की जाए तो जैसा नाम है कंपनी का वैसा काम है, मतलब इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स नहीं बनाती है सच, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो EPC बिजनेस के अंदर, मतलब यहाँ पे बेसिकली प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन का बिजनेस में है यहाँ पे कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनी है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो मतलब जो आपके हैवी इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन काम होते हैं वो सारे मतलब चीज़ें लेती हैं कंपनी। मेनली आज के डेट पे अगर देखा जाए तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट है कंपनी के पास। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे इरिगेशन, फिर टनल, फिर रोड्स, फिर अदर्स के थोड़ा बहुत और भी बिजनेस है। तो मेनली अगर देखा जाए तो आज के डेट पे यहाँ पे थोड़ा सा कह सकते हो कि जो हमारी क्लीन एनर्जी है या जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके अंदर ज़्यादा यहाँ पे काम कर रही है कंपनी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा कंपनी के लिए बेनिफिशियल है। और सबसे ज़्यादा क्लाइंट वाइज ऑर्डर अगर डेफिनेटली अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का है तो यहाँ पे डेफिनेटली PSU सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको ऑर्डर देंगे। इसके अलावा इंटरनेशनल भी थोड़ा बहुत यहाँ पे कंपनी के ऑर्डर आए हैं। यहाँ पे ये ऑर्डर्स आए हैं, ये ऑर्डर बुक की बात कर रहे हैं, ये अभी की रिसेंटली क्या हो रहा है ये हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। तो अभी उसके अलावा अगर देखा जाए टोटल ऑर्डर बुक वैल्यू अगर देखी जाए तो 191,000 CR का यहाँ पे ऑर्डर बुक वैल्यू आज के रेट पे कंपनी के पास पड़ी हुई है। और अगर अभी की बात की जाए अभी कितनी सेल्स की है कंपनी, तो वो मतलब उस हिसाब से यहाँ पे काफ़ी कम है। अगर देखा जाए तो सिर्फ 1,000 करोड़ के आसपास की कंपनी ने सेल्स किया। तो मतलब आने वाले समय में अच्छा ऑर्डर फ्लो कंपनी के पास है। अगर उसको यहाँ पे कैश इन कर पाती है, रेवेन्यू में चेंज कर पाती है और ज़्यादा केपेक्स करती है तो वो कंपनी के लिए हम कहेंगे कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है आने वाले समय में। तो इसलिए हम कहेंगे कि थोड़ा सा हमें हाईलाइट में इसको रखना पड़ेगा अभी के लिए। स्टॉक की पी की अगर बात की जाए तो 24 के आसपास की है कंपेयर टू इट्स प्रॉफिट ग्रोथ। ये अभी थोड़ा सा हमें सस्ती नज़र आ रही है। मतलब आपको फिर से हम वही चीज़ कहेंगे, अभी आज के डेट पे हम लोग ये चीज़ डिस्कस किए हैं बार बार, इससे थोड़ा सा हम बोर हो गए। बट यूजली हमें पता है कि बहुत सारे लोग जो एक वीडियो देखते हैं वो दूसरी वीडियो नहीं देखते हैं यूजली। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो बेसिकली अर्निंग्स और पी का यहाँ पे अगर आप लोग अगर देखा जाए क्या रिलेशन है, तो यहाँ पे कंपनी कोई भी आप लोग देखते हो और कोई भी कंपनी पढ़ते हो तो वैल्यूएशन क्या होती है पहले उसको समझो। वैल्यूएशन आज के डेट पे हम लोग कह सकते हो कि अर्निंग्स और प्राइस के बीच में जो कंपैरिजन होता है, जो डिफरेंस होता है उसको कहा जाता है। मतलब आज एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर अर्निंग्स ग्रोथ आपकी 10% की है तो उतनी ही ज़्यादा आपकी यहाँ पे 10% से ही आपकी यहाँ पे प्राइस भी बढ़े। तो सेम चीज़ ही यहाँ पे दोनों ही जगह यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है अर्निंग्स ज़्यादा बढ़ जाती है और प्राइस पीछे रह जाती है, और या कभी कभी प्राइस ज़्यादा बढ़ जाती है और अर्निंग्स पीछे छूट जाती है। तो जो फार्मर होता है, मतलब अर्निंग जब ज़्यादा बढ़ जाती है और प्राइस पीछे छूट जाती है, मतलब मान लो ये 100% बढ़ गया और ये 10% बढ़ा, तो अल्टीमेटली हम लोग की प्राइस क्या है वो पीछे रह गए और कंपनी आज के डेट पे अंडर वैल्यूड है। तो यहाँ पे प्राइस धीमे धीमे क्लाइम करेगी और अनटिल एंड अनलेस ये 100% अपना पूरा मूव नहीं कर लेगी तब तक हम लोग यहाँ पे कंपनी को फेयरली वैल्यूड नहीं कहेंगे। बट यूजुअली ऐसा होता नहीं है, 100% वो भागने नहीं जाएगी, वो भागेगी तो 150% भी भाग सकती है और 200% भी भाग सकती है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स भी हमारे और आपके जैसे मौजूद है जो यहाँ पे सप्लाई और डिमांड को कह सकते हो थोड़ा बहुत इफेक्ट करते हैं, जिसके कारण स्टॉक प्राइस ये मतलब कोई एंड लाइन नहीं कि यहाँ पे आकर रुक जाएगी। उसके बाद थोड़ा सा कभी कभी और भी आगे निकल जाती है, फिर रिट्रेस करके अपना वापस आना होता तो आ जाती है। मतलब बेसिकली अभी के लिए फिलहाल अगर देखा जाए तो प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ी सी आगे निकल चुकी है और कंपनी की पी यहाँ पे थोड़ी सी पीछे रह चुकी है। मतलब यहाँ पे प्राइस जो है वो हमारे नीचे रह गई है, अर्निंग्स ऊपर चली गई है, तो इसका हम लोग को करेक्शन मिलेगा प्राइस के अंदर अपसाइड आके। अभी के लिए ऑर्डर बुक्स भी अच्छे हैं तो हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे डाउनसाइड आएगा, अर्निंग्स गिर जाएंगी आने वाले समय में, तो इसलिए यहाँ पे कंपनी प्राइस नहीं मूव करेगी। अगर एक्सपेंशन अच्छा है तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ भी यहाँ पे मेंटेन रहने वाली आने वाले समय में। मतलब थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है 50 से गिर के यहाँ पे 25-30% के आसपास आ जाए, बट इतना भी कोई मेजर फॉल एक्सपेक्ट नहीं करना है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ऑपरेटिंग मार्जिन में तो थोड़ा बहुत एक्सपेंशन देखने के लिए मिला है। डेफिनेटली यहाँ पे सेल्स धीमे धीमे एक्सपेंड कर रही है, यहाँ पे अगर अच्छे पेस से करे तो वो और भी अच्छी बात होगी। अगर यहाँ पे अगर एक बार को यहाँ पे कंसोलिडेटेड है, स्टैंड अलोन भी देख लेते हैं। स्टैंड अलोन पे अगर देखा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, इनफैक्ट यहाँ पे हम लोग को अच्छे ही नंबर्स देखने के लिए मिल रहे हैं, तो जो कि फिर से एक यहाँ पे पॉजिटिव फैक्टर है। बहुत ज़्यादा एक्विजिशन वगैरह नहीं है, कोई ऐसी यहाँ पे दखल अंदाजी नहीं है। अब उसके अलावा अगर देखा जाए तो नेगेटिव से पॉजिटिव के टूवर्ड्स यहाँ पे अच्छी जर्नी कंपनी ने की है। और इसके बाद एक बार को हम लोग यहाँ पे डिविडेंड्स भी देख लेते हैं। डिविडेंड्स अगर देखा जाए तो आखिरी बार 2012 में पे की थी, तो मतलब नो डिविडेंड पेइंग कंपनी है यहाँ पे। मेनली सारा पैसा रिटेन करती है और उसको यहाँ पे इन्वेस्ट करती है या केपेक्स करती है, जो भी करे कंपनी। बेसिकली यहाँ पे अगर कंपनी छोटी है और अपने पास यहाँ पे कंपनी पैसा लग रही है, डिविडेंड वगैरह नहीं पे कर रही और उस पैसे को रीइन्वेस्ट करती है अपने बिजनेस के अंदर, तो हम उसको पॉजिटिव साइन मानते हैं। क्योंकि अगर छोटी कंपनी तो डिविडेंड बांट के क्या करोगे, पहले ग्रो कर लो उसके बाद एक बार को डिविडेंड पे करना।
अभी को अगर यहाँ पे अगर कंपनी ग्रो कर रही है तो शेयर प्राइस अपने आप बढ़ेगा और हम अपने आप रिवॉर्डेड हो जाएंगे, तो हमें डिविडेंड नहीं चाहिए, मेनली हमें स्टॉक प्राइस अपना बढ़ा के दे दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बढ़ा के मतलब मैनिपुलेट करके नहीं, बेसिकली अर्निंग्स वगैरह बढ़ाओ तो अपने आप यहाँ पे कंपनी की प्राइस भी बढ़ेगी, तो वो चीज़ है। अब यहाँ पे कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो एक चीज़ जो हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें पसंद नहीं आई वो ये है कि कंपनी की कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब जिसको कहा जाता है कि कौन से कैपिटल कितना इन्वेस्टेड है कहाँ पे लगा, तो उसको हम लोग कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं, तो वो चीज़ धीमे धीमे कम हो रही है यहाँ पे। अगर ये नंबर्स बढ़ते हैं तो ग्रोथ मतलब कंपनी के अंदर यूजुअली अच्छी देखने के लिए मिलती है बाद में। अब यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात की जाए तो प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे 56 से कम होकर 39 आ गई है, FIs की होल्डिंग यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ी है, DIs की होल्डिंग यहाँ पे काफी हद तक कम हो चुकी है, तो ये चीज थोड़ा सा है देखने वाला है यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ मेजर नाम्स हम कहेंगे जैसे ICICI बैंक ऑफ बड़ौदा, काफी सारे यहाँ पे म्यूचुअल फंड धीमे धीमे अपनी एग्जिट लिए हैं, तो वो एक चीज है देखने वाली। बेसिकली बैंक ऑफ बड़ौदा को जो फंड है वो भी अपनी यहाँ पे पोजीशन काफी हद तक कम कर चुका है, और साथ ही साथ अगर FIs की बात की जाए तो FIs के अंदर भी अगर थोड़ा बहुत अगर देखा जाए तो कुछ खास वैसे यहाँ पे है नहीं, एक ही यहाँ पे है FIs जिन्होंने यहाँ पे पोजीशन बनाई थी, वो भी धीमे धीमे अगर देखा जाए तो खत्म होता है हम लोग को नजर आ रही है। तो ये चीज़ है थोड़ा सा, ये होल्डिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न्स यहाँ पे कुछ खास यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, मतलब इनफैक्ट थोड़ा सा अगर देखा जाए तो डाउन साइड पे हम लोग को नजर आ रहा है यहाँ पे, मतलब थोड़ा सा कह सकते हो कि यहाँ पे बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं है। अब इसके बाद हम लोग चार्ट्स पे आते हैं, चार्ट्स पे अगर देखा जाए तो प्राइस वॉलेटिलिटी हम लोग को टॉप पे नजर आ रही है, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए कंसर्न की बात है यहाँ पे। अगर करंटली अगर देखा जाए तो प्राइस एक्शन क्या कहता है, तो अभी तो देखो यहाँ पे कंपनी सपोर्ट ली हुई है, अल्टरनेस 52 लेवल्स ब्रेक नहीं करती तब तक हम लोग को डाउनसाइड कुछ खास देखने के लिए मिलेगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा अगर ये लेवल्स ब्रेक करके नीचे चली जाती है तो हम लोग के लिए वो कॉज ऑफ कंसर्न बन सकता है, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग को डाउनसाइड देखने के लिए मिल सकता है। अभी के लिए अगर देखा जाए तो 50 MA से अगर ये रेजिस्टेंस लेती है तो एक W पैटर्न वगैरह देख के यहाँ पे आपको अपसाइड देखने के लिए मिल सकता है। वी शेप रिकवरी पे बहुत ज्यादा हम बिलीव नहीं करते हैं, तो वी शेप रिकवरी अगर मिलती है तो थोड़ा बहुत या तो यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने के लिए मिलेगा, या तो थोड़ा सा एक बार को बड़ा फॉल लेके कप एंड हैंडल पैटर्न अगर कुछ बनाने की कोशिश कर सकती है कंपनी, तो अभी के लिए फिलहाल कोई मेजर अपसाइड देखने के लिए नहीं मिल रहा जब तक हम लोग को यहाँ पे 75 वाले लेवल्स या इनफैक्ट 80 वाले लेवल्स 75 से 80 वाले लेवल्स यहाँ पे कंपनी ब्रेक नहीं कर ले रही है, तो वो चीज है देखने वाली। और यहाँ पे वॉल्यूम्स भी अभी बहुत ज्यादा नहीं आ रही है इस वाले मतलब अपसाइड जो आया है, तो मतलब हमें लग रहा है कि ये जो एटलीस्ट यहाँ पे अपसाइड देखने के लिए मिल रहा है वो कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग या कह सकते हो कि ऐसा कोई सिग्नल नहीं प्रोवाइड कर रहा जिसको हम लोग कह दें कि यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यूड फॉर्म में आएगा या बहुत लंबा चला जाएगा, तो वो सारी चीजें हम लोग को देखनी होगी और उसी बेसिस पे हम लोग को यहाँ पे डिसीजन लेना होगा। अल्टीमेटली थोड़ा सा हम लोग को मार्केट साइडवेज मार्केट में भी जाते नजर आएगी अगर यहाँ पे वॉल्यूम्स की यहाँ पे डाउनसाइड अपसाइड दोनों की ही यहाँ पे मतलब कह सकते हो कि प्रेजेंस नहीं आती है। तो अभी फिलहाल इसी के साथ चलेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो यहाँ पे पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले नोटिफिकेशन बटन भी जरूर दबाना। और इसके जाने से पहले एक चीज़ आपको और बता दें, डाउनसाइड के टारगेट्स अगर आप लोग देख रहे हो क्या हो सकते हैं, तो 45 जा सकता है, इसके बाद अगर ब्रेक करता है तो 41 आ सकता है, और उसके बाद ब्रेक करता है तो कोई यहाँ पे खास आपको यहाँ पे सपोर्ट नजर नहीं आएगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे और भी यहाँ पे नीचे आ सकती है कंपनी। बट उतना ज़्यादा हम यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि इतना फॉल है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के नंबर्स अगर अच्छे हैं और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ग्रोइंग एक इंडस्ट्री से है, तो कुछ खास डाउनसाइड हमें नहीं लगता कि आना चाहिए यहाँ पे। बेसिकली साइडवेज मार्केट के अंदर ज्यादा आने के चांसेस हैं यहाँ पे अगर ब्रेकआउट नहीं मिलता है आने वाले समय में, तो ब्रेकआउट विद वॉल्यूम्स इनफैक्ट। इसी के साथ चलेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके बाय।